ईश्वर भाई, अल इमदाद फाउंडेशन के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, क्या बताना चाहेंगे अब, क्या पूरा मामला? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं तहे दिल से आप सभी मीडिया पर्सन का शुक्रिया अदा करूंगा। अल इमदाद फाउंडेशन पिछले 10 सालों से ज़्यादा लोगों की खिदमत खल का काम करती आ रही है, और बंद लिहाज में मैं कहूँगा कि जैसे हमारे शरीयत में कहा है कि इस हाथ से काम करो तो दूसरे हाथ को ना पता चले, तो उस मकसद से और उस पहलू से वो काम करती आई है। लेकिन पिछले कई वक्त से मैं ये देखते आ रहा हूँ कि हम जिन लोगों को काम कर रहे हैं, जिन लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, वो कुछ लिमिटेड लोग हैं। हम चाहते हैं कि हमारी ज़ात से ज़्यादा लोगों तक मदद पहुँचे। आप ही मीडिया पर्सन हैं जो हमारी सराहना करते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं और लोगों तक हमारी बात पहुँचाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये सैकड़ों में नहीं हज़ारों में ये बात पहुँचे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा पहुँचे। तो लिहाजा अल इमदाद फाउंडेशन में कहना चाहूँगा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद ये रहा कि पिछले एक साल से जो अल इमदाद फाउंडेशन ने काम किया है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट पे, TMC ये गवर्नमेंट की स्कीम्स पर, RT के तहत जो एजुकेशन पे काम हुआ है, स्कॉलरशिप पे काम हुआ है, और हॉकर्स लोन हुआ है, कोविड कोरोना कार्यकाल में लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो योजनाएं सरकार की तरफ से आई हैं, उन सबों पर जो काम किया गया है और उसका फ़ायदा लोगों तक पहुंचाया गया है, उसकी रूपरेखा आपको बताने के लिए। दूसरा ये भी साथ साथ में कि अल इमदाद फाउंडेशन किस मकसद से काम कर रहा है वो आपको बताना था। नाम से ही वाज़े है कि इमदाद यानी मदद करने वाला, ये मेरे मरहूम वालिद साहब के नाम से है, जिनका नाम इमदाद हुसैन मोहम्मद शफ़ी था। उन्होंने हमेशा ही लोगों की भलाई के काम किए। उनके गुजर जाने के बाद अल इमदाद फाउंडेशन की स्थापना मैंने रखी और उसका रजिस्ट्रेशन करवाया। बाकायदा मैंने रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद इसको काम को तरीके से काम करना शुरू किया। इसके बाद में मुझे स्किल डेवलपमेंट के तहत मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फ्री कोर्सेज होते हैं, जैसे सिलाई हुआ, मेहंदी हुआ, कंप्यूटर हुआ, ब्यूटिशन हुआ, कंप्यूटर हुआ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ, नर्सिंग हुआ, हाउस कीपिंग हुआ, वेल्डिंग हुआ, मोटर वाइंडिंग हुआ, इस तरह के तमाम बहुत सारे ट्रेड्स हैं जिसको हम करा सकते हैं और करते हैं। हज़ारों की तादाद में पिछले 4 साल से जो हम लोग स्किल ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो करीब 700 से ज़्यादा के बैचेस हमने कंप्लीट कराए। 2020 में हमने 640 के आसपास के बैचेस को कंप्लीट करवाया और उसका एग्ज़ाम हमने कंडक्ट करवाया। और देखा जा रहा है कि आप राशन वगैरह भी ज़रूरतमंद तक पहुँचा रहे हैं, तो ऐसे ज़रूरतमंद जो हैं जिनको चाहिए वो कैसे आपसे संपर्क करें, आप कुछ डिटेल? देखिए, नंबर वगैरह अल इमदाद फाउंडेशन का वैसे जो वीडियोज़ है, मेरे पर्सनल वीडियोज़ भी जाते हैं, तो लोगों तक अपने आप माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है। दूसरा, आप जैसे मीडिया पर्सन हैं जो वायरल करते हैं, मेरी ऑफिस में जो भी आता है वो ज़रूरतमंद ही होता है। यस, मैं मेरी ऑफिस का एड्रेस बताता हूँ। अल इमदाद फाउंडेशन, शॉप नंबर 8, यशोदा अपार्टमेंट, नियर मुमरा इंग्लिश हाई स्कूल, अमृत नगर। मेरा नंबर है 9967024092, इस पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, जहाँ हम लोग बैठे हैं ये स्किल ट्रेनिंग सेंटर है, ये भी इंशाल्लाह इसका रिनोवेशन का काम चल रहा है, ये 8-10 दिन में कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर भी ऑफिस शुरू हो जाएगा, यहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एड्रेस है अल इमदाद फाउंडेशन, रयान हाउस, साई प्रसाद चाल, नियर लाजवाब होटल, मित्तल ग्राउंड, अमृत नगर कह सकते हैं इसको। इसके लिए भी मैं बता दूँ कि ये हमने इसका टैक्स लगवाया है NGO के नाम से, अल इमदाद फाउंडेशन, इसमें एड्रेस भी मैंशन किया गया है इसका। जिस तरह से आपका अल इमदाद फाउंडेशन एक काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन पिछले दिनों जो है आपसे कुछ इमारत के काम को लेकर विवाद भी हुआ था, जिसमें आपके फाउंडेशन का नाम भी सामने आया था, नाम वगैरह लिया गया था, तो ऐसे में उसके बारे में आपका क्या कहें? ये तो अफसोसजनक, मैं तो अफसोस बोलूँगा कि अफसोसजनक बात है ये। हर इंसान का कारोबार, निजी ज़िंदगी, मज़हब या उसके जज्बात सब अलग अलग होते हैं, हमारे आपके सबके ये होते हैं। अल इमदाद फाउंडेशन बिल्कुल अलग है मेरे कारोबार से। यह जो विवाद हुआ है वो मेरे कारोबार से रिलेटेड रहा है, मेरा कारोबार कंस्ट्रक्शन का है, तो ये जो विवाद हुआ है कि मैंने जो कंस्ट्रक्शन किया है, यह जो इमारत मेरी NGO के नाम से रजिस्टर्ड है और NGO के नाम से मैं काम यहाँ पर करना चाह रहा हूँ, इसी के बगल में एक बिल्डिंग है जिसका मैं डेवलपर रहा, 2012 में डेवलपर हूँ, डेवलपर मैंने डेवलपमेंट के लिए लिया था, और वो बिल्डिंग लक्की कंपाउंड गिर जाने के बाद में हमने उसको काम को कंप्लीट नहीं करा पाए थे। उसमें रहने वाले तमाम लोगों को मैंने ही कहा था कि आप लोग अपने तरीके से घर बना के रहें, जब मौका पड़ेगा तब हम उसको आपके हिसाब से उसको बनाकर डेवलप करके दे देंगे।
अब उसमें ये मामला रहा कि कुछ ऐसे लोग रहे जिन लोगों ने आके मतलब मेरे ऊपर तोहमत लगाई, कुछ अपनी पर्सनल मुफाद को निकालने के लिए उस पर तोहमत लगाते हुए ये बात को सामने रखी है। आज वही है कि लोगों ने बिना ऑडिट किए, बिना किसी अधिकारी के से कंसल्ट किए चीज़ों को बना रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं, तो कल को अगर कुछ होगा, जान माल का नुकसान होता है या कुछ परेशानी आती है, तो बतौर डेवलपर के ऐसे से मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। मैंने इनको इंटीमेट किया और इस सिलसिले में मैंने इन्फॉर्म भी किया, तो उन्होंने मेरी बात को नहीं माना और उसके बदले मुझ पर इल्ज़ाम लगाए और मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करी कि हम आप मतलब एक कहने का मतलब होता कि हम कुछ आपको फंसा देंगे, औरतों द्वारा फंसाएंगे या औरतों को आपने गाली दिया या धक्का मुक्की किया, इस तरह से जैसे मामला आजकल चल रहे हैं उसके तहत मुझ पर अटैक करने की कोशिश की गई, जिसकी मैं निंदा ही करूँगा। इसीलिए कि अच्छे काम को जो करता है उसकी सराहना करनी चाहिए और कारोबार और निजी ज़िंदगी को अलग अलग रखना चाहिए।